अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आप लोगों के दिल में एक बात आ रही होगी कि 1 साल हो गया है आप लोगों को मेरी तरह। आप लोग मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, व्यूज़ आपके 3 या 4 या 5 इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है गाइस। पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह प्रॉपरली गाइड करने लगा हूँ एक बड़े यूट्यूबर का खुफिया राज। आपका भाई आप लोगों को बता रहा है, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले जो जो चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो गाइस, बात ये वाली मैं कर रहा था आप लोगों से कि आप लोगों के व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। SEO भी ठीक कर रहे हैं, थंबनेल भी ठीक बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी ठीक लिख रहे हैं, तो व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? यूट्यूब आगे आप लोगों को व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ा रहा? वीडियो भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो गाइज़ आप लोग वीडियो गलत तरीके से अपलोड कर रहे हैं। जी सही कह रहा हूँ आप लोगों को, क्यों वीडियो गलत तरीके से आप लोग करें? आप लोग मेन एप्लीकेशन के अंदर से जाके वीडियो आप लोग अपलोड कर रहे हैं गाइज़। हरगिज़ ये काम नहीं करना आप लोगों ने। जैसे आपको तरीका बताऊँगा वैसे वैसे आप लोगों ने स्टेप को फॉलो करना है मेरे, ठीक है। आप इंशाल्लाह दुआओं के अंदर याद मुझे देंगे कि आपने अरहम भाई बहुत ही अच्छी हमें मतलब एक हुनर बताया, एक अच्छा तरीका बताया। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, आपको बताते हैं किस तरह से आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए आपके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज़ ये देखें, बहुत ही छोटी समझ लें वीडियो है मेरी आज की, बहरहाल जितनी छोटी है उतना ही फ़ायदा है इसका। स्किप मत करिएगा आप लोग, पूरा वीडियो को देखिएगा। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना आप लोग अच्छा मेन मकसद मैं बताता हूँ, आप लोग कैसे अपलोड करते हैं वीडियो अपनी। इधर जाके प्लस के ऊपर निशान अपलोड वीडियो, इधर से आप लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये वीडियो अपलोड नहीं करनी गाइज, मैं फिर बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आप लोगों ने क्रोम के ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है, ठीक है, क्रोम से। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा नेट का इशू है गाइस। ये देखें आप लोगों की ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है, ठीक है, क्रोम वाली। क्रिएट के ऊपर जाएंगे आप लोग, ठीक है। इधर से अब आप लोगों ने क्या करना है, अपलोड वीडियो। जैसे ही अपलोड वीडियो के ऊपर आएंगे, सेलेक्ट फाइल के ऊपर आप लोग आएंगे, मैं दिखाता हूँ अभी, ये फ़ाइल खुल गई आपकी, ठीक है। अब जैसे ही फ़ाइल के ऊपर आप लोग आएंगे तो इधर आप लोगों ने वीडियो जो आप लोगों की सेलेक्ट वीडियो है उसके ऊपर आप लोगों ने आ जाना है। ये कैमरे के ऊपर आना है आप लोगों ने, ठीक है। अब गाइस मेन मकसद क्या है आप लोगों का बताने की वजह ये है कि अब ये देखें, जैसे कोई भी मैं जैसे आपका कंटेंट है कोई भी, ठीक है, मेरा ये वाला कंटेंट है। अब ये देखें वीडियो आप लोगों की गाइस इधर से अपलोड हो रही है। अब ये देखें सारा उसने प्रोसीजर बता दिया है, ठीक है। ये भी आप लोग अपने हिसाब से टॉपिक, जैसा भी आपका टॉपिक है वो लिख लेना है आप लोगों ने इधर, ठीक है। जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो इधर नेक्स्ट कर देना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये मोनेटाइजेशन आप लोगों ने ऑफ़ कर देनी है इधर से। जैसे भी आप लोग तरीकाकार बता रहा हूँ ऐसे ही करना है आप लोगों ने, इंशाल्लाह दुआ देंगे मुझे। अब ये देखें मोनेटाइजेशन ये ऑफ़ डन, ठीक है। इधर से नेक्स्ट करना है आप लोगों ने। अब इधर आप लोगों ने कुछ करना है तो कर सकते हैं, आप लोग नहीं करना तो मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी नेक्स्ट आपने कर देना है, ठीक है। अब इसको अनलिस्टेड आपकी है, ठीक है, ये सेव कर देना है। लो गाइज इतना सा आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। अब ये देखें आप लोगों की वीडियो वो जा रही है, इधर से क्लोज भी कर सकते हैं आप लोग, कर भी दिएगा इसका कोई इशू नहीं है। देखें वीडियो आप लोगों की जा रही है, जैसे आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था वैसे ही ये वीडियो आप लोगों की जा रही है इधर। तो गाइज ये मेन सेटिंग आप लोगों की थी, वीडियो ऐसे अपलोड करिएगा आप लोग, बड़े यूट्यूबर आपको नहीं बताते इस तरह की सेटिंग। तो इंशाल्लाह आप लोगों के व्यूज़, मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों के व्यूज़ कितने हैं, जब तक सर्चिंग के अंदर ही नहीं जाएगी तो वीडियो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर, किस कैटेगरी के ऊपर आप लोग वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग इस पर काम करिएगा और इंशाल्लाह अपने व्यूज़, जब आप लोगों के व्यूज़ आएंगे तो आप लोग मुझे दुआ देंगे। गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और अरहम राजपूत को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।